नमस्कार दोस्तों, भारती के किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का निमोना। निमोना बनाने के लिए देखिए, आधा किलो मटर लेके मैं दाने निकाल ली हूँ, और ये अदरक है, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता है। एक मिक्सर जार में हम डाल लेंगे इसको। इसमें धनिया पत्ता काट के डाल लेंगे, डाल के पीस लेंगे सब। ये मटर डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, इसको बाद में डालेंगे। देखिए ये पीस के तैयार हो गया है, दरदरा, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, मीडियम में पीसे हैं इसको। अब इसको हम चलते हैं बनाने, तो इसके लिए गैस जलाते हैं। तो हम गैस जला लिए हैं, अब इस पर रखेंगे एक भगोना। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, एक चम्मच सरसों का तेल, गरम हो जाए। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, जीरा डाल के तड़का लेंगे। अब देखिए हम डालेंगे पिसा हुआ मटर, मीडियम फ्लेम पर रखिए गैस, इसको भून लेंगे। तो हम यहीं पर डालेंगे ये मटर जो बचाई हुई थी वो, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसको। करके यहीं पर पानी डालेंगे, अब इसको पका लीजिए, पूरा ढकिए मत, थोड़ा इतना पर रखकर बीच बीच में चलाते रहिए और 10 मिनट पका लीजिए। देखिए दोस्तों, ये 10 मिनट हो गया पकते हुए, अभी हो गया पक गया है, तब इसको दूसरे साइड कर देते हैं और इसमें तड़के लगाएंगे। तड़के के लिए एक पैन ले ली हूँ और इसमें डालेंगे सरसों का तेल एक चम्मच, ये तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्च तोड़ के, और आधा छोटा चम्मच जीरा, एक पिंच हींग, गैस बंद कर देंगे, तड़का डाल देंगे इसमें, डाल के ढक देंगे। हाँ, तो
तो देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया निमोला, और इस पर से हम डाल देंगे हरी धनिया पत्ता। ये हमारा निमोला तैयार हो गया है, अब हम चलते हैं चावल की तैयारी करने। ये चावल बन के तैयार हो गया है, अब हमने दाल के साथ सर्व करेंगे। दाल, चावल, रोटी जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।